ये कहानी है खान सर जीएस रिसर्च सेंटर वाले खान सर की। कई जगह से रिसर्च करने पर पता चला कि किसी ने अपने ब्लॉग में खान सर का असली नाम फैजल खान रखा है, तो किसी ने अमित सिंह बता रखा है। लेकिन खैर ये सब छोड़ो, काम बड़े होने चाहिए, नाम में क्या रखा है। आइए आगे चलकर देखते हैं सबकी जुबानी, हम सबके पसंदीदा खान सर की कहानी। पीछे मम्मी, आज भैया ज्यादा पन्ने मिले हैं हमका, जल्दी से इनका सीके कापी बनाए दियो। मम्मी आज छोटू ज्यादा सामने जाती हो, आगे आगे भागा भाग। अच्छा लाओ देखी तुमका आज काका मिला है। छोटू जाओ अंदर से सुविधा का डिब्बा उठा लाओ, तो सील दे, तब तो दूजने बैठ के काम करो। लो ऐसे लगाओ पन्ना तो सील दे। मम्मी डब्बा नहीं मिलत है। अरे खुली आंखन से देखो, वही लिंटर पर धरा है। मम्मी भैया पेन छुपा के रख लिए। काहे तबाह किए हो भैया, दोनों जने मिलके लिखे हो। छोटू लिखत कहा है, 40 बच्चे में 37वीं अंक लावत है। अच्छा चलो दोनों जने पढ़ो लिखो चल के, चलो जल्दी। छुटकू कहा बनना है बड़े होके? भैया ये भी कोई पूछे वाली बात है? देश के लिए तो जान भी हाजिर है हमरी, हमका बस फौज में जाना है। बबुआ फौज मेहनत मांगत है। फौज में जाए के सपना से लेके जिंदगी की आखिरी सांस तक परिश्रम। कहाँ है छुटकू? अरे मम्मी ये जो छुटकू सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना, उसमें फेल हो गया, वही नीचे बैठा शोक मना रहा है। अरे भैया वो छोटा है, उसका परेशान ना किया करो। छोटू का तो मन लगत नहीं है पढ़े में, यहाँ का करी है। हाँ पॉलिटेक्निको में रह गए, चलो ऊपर वाले की जौन मर्जी हो वैसी मन लागे। अरे आप दोनों काहे चिंता कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं ना, निकल जाइए। बबुआ बगैर मेहनत के कछु नहीं मिलत है, उकी खातिर मेहनत करेक पड़त है। मम्मी कुछ खाए के लिए लाओ, भूख लगी। ले आओ लइए चबाओ। अब आपको कहूँ और शिफ्ट का प्लान तो नहीं है? अब कहा बता दी बिटवा, तो काम आए, काम आ तो ऐसी वैसी लागे ना। तो आप जायो हम लोग यहाँ रहे। यू सही कहा था बिटवा, अब तुम हो पंचे बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो।
हेलो पवन। हाँ सोनू भाई, पहुँच रहे हैं। कहाँ रह गए यार? और सब जने आएंगे? अभी तो कोई नहीं आवा है, पहले तुम आओ। हम हेमंत और छोटू का फोन कर रहे हैं। चलो ठीक है, बस आए। हेलो। हाँ सोनू। अबे कहाँ रह गए, आओ यार जल्दी। कहाँ यार, तुम टाइम पे टाइम फोन करके बुला लेते हो। हेमंत फोन नहीं करी सर तुम काका? नहीं, हमका किसी फोन नहीं आया है। और सुनो यार, हम एनडीए की तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे हैं। चलो यार एक बार आ जाओ। चलो अच्छा, चलो ठीक। अरे यार भाई सॉरी यार, हमें ट्यूशन पढ़ाई से लेकर सोचा दिमाग उतर गया तुमका फोन करके लिए। अरे ठीक है यार, भैया का फौज में हो ही हुआ है। अरे बहुत बढ़िया यार। यार हम एनडीए की तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे हैं, हमका भी फौज में जाए है। तुम तो जाना तो यार, घर की हालत का है? सुनवा कहाँ है? भूखे लैटरिन लग गया रहे, भाग गए। वो हमेशा यही टाइम पर निकल जाता। और तुमने लैटरिन कब से नहीं हुई? हो सोनू पवन के बुला रहे हो आज का? मनूबरा रहे तो चले आने। इधर का लागत है? एनसीसी का फायदा मिले फौज में जाके लिए। तुम यार मन बकलो लो का करो, ये लिए करवे करे। अरे भाई आप यार, की का फोन है मार? अरे यार मम्मी क्या फोन है, धनिया मांगे ले भैया फोन करते हैं। जहाँ उस बातें फेंक के मारी। हाँ चलिए से बात कर लिया भैया। ट्रिपली का पेपर था। अरे छोड़ो, जब ये ट्रिपली में जाना है नहीं हमका तो का फौज में जाना है हमका यार। एनडीए का रिटर्न तो निकले जी है। छोटू, ओ छोटू, छोटू। हाँ पापा। यहाँ आओ, काहे परेशान हो, आओ बाहर टहल के बात करी। बेटवा अगर फौज में जाए के मनसा तुहार केवल देश की सेवा करे है तो उके तो औरो रास्ता बाटी। पापा अगर हमारा हाथ 21 डिग्री टेढ़ा है तो वो हमरी का गलती। अरे जब ऊपर वाला तोहरे मन का नहीं देश है तो उससे अच्छा कुछ सोची सोई। बबुआ अपन काम पूरी मेहनत से करे के ही, बाकी ऊपर वाला अच्छा करबे करी। और वह कहावत तो सुनबे करे हो, जहाँ पतझड़ नहीं होते वहाँ बसंत नहीं आते। पापा हम पढ़ाई के लिए पटना निकल जाएंगे, भैया की भी तो नौकरी लग गई है। बबुआ फौज में जाए का रास्ता अगर बंद भावा है तो ऊपर वाला दूसरा रास्ता जरूर खोली।
जी बताइए। चाचा रेंट पर रूम खाली है क्या? कौन बिरादरी की हो? अगर हम कहें मुसलमान हैं तो नहीं देंगे क्या? अस्पताल में खून लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि कौन सी बिरादरी का है खून? नहीं खाली है। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, बतियान में काहे भटका लूं। आंटी जी कोई रूम मिल जाएगा रेंट पे रहने के लिए? क्या करते हो, किस जात के हो? हिंदुस्तानी है आंटी जी, और पढ़ाई में बीएससी कर रहे हैं। हाँ मिल जाएगा, 2000 रेंट लगेगा और अंट संट खाने नहीं देंगे। ठीक है आंटी जी। चलो देख लो। क्या बात है, बड़े सुस्त बैठे हो? जीवन में बहुत मजा एक सपना देखे रहन, ससुरा वही नहीं पूरा हुआ तो बस सब चल ही रहा है। तो हिम्मत तब परेशान है, कौन सी बात है यारे? एक काम करो, तुम्हारे खाते एक होम ट्यूशन है वही का पकड़ ले, बाकी धीरे रास्ते खुलते रहेंगे आराम से, क्या समझे हो? यार आइडिया तो बढ़िया है, देश की सेवा करेगा। मतलब? अरे जब देश का गरीब बच्चा पढ़ेगा तभी ना तो देश का तरक्की होगा, वो गरीब बच्चे की तरक्की मतलब देश की तरक्की। तो तुम एक काम करो, तुम तब तक तुम ये ट्यूशन पढ़ाओ, फिर हम किसी कोचिंग में जुगाड़ लगाए तुरे खाते। बिल्कुल सही हिम्मत। और सुनो, हम ना यहाँ खूब ढंग से मन से पढ़ेंगे बढ़िया से, और बच्चों को खूब बढ़िया से पढ़ाएंगे। ऐसा पढ़ाएंगे कि बच्चा लोग फिर कभी दोबारा भूल नहीं पाएंगे। क्या? दोनों को, ना पढ़ाई और ना हमका। तुम बस ना एक कोचिंग का जुगाड़ कर दो यार कोई तरीके से। अरे हो जी यार, तो परेशान ना हो जी यार। जी 2000 रुपए रेट। बेटा पैसे क्या दोगे? मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देना। चलिए ठीक है। ठीक है बेटा। कल हमने आपको पूरा हार्ट के बारे में समझाया था, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे ईसीजी और ब्लड प्रेशर के बारे में कि क्या होता है। देखिए जो हमारा दिल होता है ना, दिल, इसकी जो जांच होती है वो ईसीजी के थ्रू होती है। ईसीजी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। देखिए हमारे जो शरीर में, जो शरीर है ना शरीर, इसमें टोटल 12 तरीके की लीड्स लगाई जाती है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लीड्स, ठीक है। दूसरा हमारा है ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए जब भी ब्लड, देखिए हार्ट जो होता है ना हमारा हार्ट, वो जब चिपकता है, वो जब सिकुड़ता है तो क्या होता है, बाहर जाता है ब्लड, बाहर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और यही प्रक्रिया जब उल्टी होती है तो क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, ठीक है ना? ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 और 80। और पढ़ लीजिएगा बच्चा लोग, क्योंकि सबसे पहले जो लोग अपने आप पर समय खर्च करते हैं बाद में लोग उनको गूगल पर सर्च करते हैं। तो बच्चों सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए अब बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पर। खान सर, बच्चों को अपना मोबाइल नंबर, पता, एड्रेस कुछ भी मत दीजिएगा। अरे सर हम कहे देंगे,
हम सिर्फ बच्चा लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं, हम का सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। सर चलिए पढ़ाइए। नेहा बेटा चलो, अभी खान सर आ रहे हैं थोड़ी देर में। खान सर आपने तो बच्चों पर जादू ही कर दिया। अरे सर जी, बच्चा लोगन का प्यार है बस। हम ये सोच रहे थे कि बच्चे तो बढ़ ही गए हैं, क्यों ना थोड़ी फीस बढ़ा दी जाए। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं, अब बच्चा लोग तो देश का भविष्य है। कोचिंग में बच्चा बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, ठीक है पढ़ रहे दीजिए, ये फीस बढ़ाने की बात ना कीजिए सर। देखिए खान सर, ये धंधा है, आप गांव से आए हैं, हमने आपको पढ़ाने का मौका दिया है, आप सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब रखिए। दिग्विजय सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, अब ये बात करने का तरीका हमका बिल्कुल मजा नहीं आया। कोचिंग में इतना बच्चा बढ़ा है, इसमें हमारा थोड़ा तो मेहनत है ना सर। देखिए खान सर, टैलेंट तो पहले भी आपके पास था, कितना कमा लेते थे। ये कोचिंग हमारी, बेंच हमारे, फैन हमारे, सारे फैसिलिटी हमने आपको प्रोवाइड की। माफी चाहते हैं सर, बच्चों के साथ हम धंधा नहीं करेंगे। खान सर तो हमारा आपका हिसाब बराबर है, हमारा आपका साथ यही तक था। सर हम गरीब हैं, विकलांग नहीं। जयराम जी की। जिंदगी में अब कुछ खास बचा तो है नहीं। ससुरा जहाँ चले थे वहीं फिर आ गए, जब ऊपर वाला ही साथ ना दे तो किससे क्या ही शिकायत करें। घर ही निकल जाए का, घर जाएगा किराया 90 रुपए और जेब मत 40 रुपए। ससुरा चल कर रहा है जिंदगी में। जी यही नदी के किनारे बैठे थे। टाइम देखे हो? थोड़ा टेंशन में थे आज। कितना टाइम हो रहा है? 7-8 बज रहा होगा, देखे तो है नहीं। जेब में 40 रुपया, घर जाए का किराया 90 रुपया, ये कहीं ऊपर वाले का कोई इशारा तो नहीं हम कहीं रोकेगा।
एक आइडिया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, राज्य के अनिवार्य तत्व। ठीक है, अब देखिए, जब राज्य हम यहाँ पर कहते हैं ना, तो आप लोग ना कन्फ्यूजिया मत जाइएगा। ठीक है, राज्य जब भी संविधान के टर्म में बात होगी तो यहाँ पर राज्य जो होता है वो एक देश को डिनोट करता है। ठीक, अब राज्य के अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं? ये चार: क्षेत्र, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता। अभी तीन चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे। अभी संप्रभुता क्या है? देखिए, जब किसी देश के पास आंतरिक और बाहर लेने के डिसीजन जब वो बिना किसी के दबाव में आके लेता है तो हम कहते हैं कि उस देश के पास संप्रभुता है। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं बिहार का। अब क्या बिहार के पास संप्रभुता है? क्या बिहार को एक देश कह सकते हैं? आप लोग ये सोच रहे हो क्या बकलोलिया वाला क्वेश्चन है, नहीं कि बिहार को देश कैसे कह सकते हैं, बिहार तो एक राज्य है। इस कसौटी पर देखते हैं कि क्या एक राज्य है या एक देश है। तो देखिए, इसके पास क्षेत्र है, जनसंख्या है, शासन भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। मान लीजिए इस देश के मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, अब उन्होंने कहा कि हम आज रात 8 बजे से 500 हजार के नोट बंद करते हैं, तो नीतीश जी थोड़ी ना कहेंगे कि हम नहीं बंद करते हैं नोट। कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि ये है राज्य, ये देश नहीं है। ठीक है, हाँ, वो एग्जाम दिया रहा है एनडीए का, लेकिन नहीं हो पाओ। पता है क्या है? वो 21 डिग्री हमारा हाथ टेढ़ा रहा है। हाँ सही माँ, 21 डिग्री हमारा हाथ टेढ़ा रहा है। जय हिंद दोस्तों, इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ था? 1764। अब जो अंग्रेजवा था ये बंगाल पर शासन करता था, और हिया का राजा उसने बनाया किसको? मीर जाफर को। वो एक नंबर का चापलूस, जफरवा रहा है एक नंबर का चापलूस, और अंग्रेजवा बना दिए इसको राजा और इससे पैसा ऐंठना शुरू कर दिए। तो शुरू में तो पैसा देता था, लेकिन ससुर बाद में जो है पैसा देना कम कर दिया जफरवा ने। तो अंग्रेज बना दिए उके दामाद को। दामाद का नाम क्या था? मीर कासिम। सर, आपके पास इतनी भीड़ है और अगली क्लास के लिए बच्चे बाहर भी खड़े हैं, तो अगर हमें आपसे डाउट पूछना होगा तो हम आपसे कैसे पूछेंगे? अब डाउट बचेगा तब पूछिएगा ना, हम तुमको ऐसा पढ़ा देंगे ना कि दम होगा तो भूल के दिखाइएगा। उस दिन वो बम भी एक अध्यापक का सम्मान कर गया कि बम वहाँ फटना तो दूर, वह गिरा भी तो अध्यापक के पैरों के पास आके गिरा था। ये हमला करने वाले नासमझ लोग भी क्या कहते, शायद उन्हें भी पता था कि हथियार से एक दो आदमी की जान जा सकती थी। लेकिन कलम में बहुत ताकत होता है मेरे दोस्त। सर आप चिंता मत कीजिए, अगर बम गिरेगा तो सबसे पहले हम लोगों के ऊपर गिरेगा, हम कोचिंग का कुछ नहीं होने देंगे। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा दिन साबित हो रहा था। कोचिंग माफिया वाले कभी बाज नहीं आएंगे, चाहे जो हो जाए हम कौनो परिस्थिति में अपने बच्चन का साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम सर जी। पहला दिन है? हाँ सर जी।
अब आपकी शरण में आए तो कुछ बन के ही जाएंगे, वरना गांव वापस नहीं जाएंगे। यहीं पटना में मजदूरी करके ज़िंदगी काट लेंगे। नाम का है भैया, तुम गांव का ही नहीं वापस जाओगे? राहुल नाम है सर। सर गांव में कुछ बचा ही नहीं है, पापा भैंस बेच के पैसा इकट्ठा करके आपके पास भेजे पढ़ने के लिए। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? सर वो दरोगा की भर्ती आई है ना, वही। चलो हो जाएगा। That's a quick news update coming in that a lockdown extension from Bihar extended by 10 more days. We'll go across to our reporters Prakash or Keshav from Patna, but Nitish Kumar has tweeted a few minutes back. तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोरोना की जो जांच होती है RT-PCR, इसके बारे में कि RT-PCR होता क्या है। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि DNA और RNA क्या होता है। DNA क्या होता है? किसी भी चीज़ की सबसे सटीक जानकारी मिलना। अगर आपको चाहिए किसी भी चीज़ की सबसे सटीक जानकारी तो वो कहाँ से मिलेगी? DNA से, ठीक। अब देखिए, जब DNA से RNA बनता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब यही प्रक्रिया उल्टी हो जाती है तब क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब RT-PCR का फुल फॉर्म में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। अभी जो कोरोना वायरस जो बीमारी थी ससुरा, इसमें DNA तो मिलता ही नहीं। अब जब DNA नहीं मिलता है तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तब ये प्रोसेस की गई कि इसको हमने क्या किया, इसमें RNA प्रेजेंट होता है, तो RNA से इसको हमने बनाया DNA। अब DNA से हमको पता चल जाता है, वेब टेस्ट कराने जाते हो ना, अब तो एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह सब होने लगे हैं, RT-PCR की इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डिले आती है, ठीक है। एक कोरोना का कुछ ऐसा चित्र होता है ना, ये है हमारा। सर थोड़ा सिलो बोलिए, पुलिस बाहर गश्त लगा रही है। ये जो है इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो RNA के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। चलो चलो इसको बनाओ सब लोग। हेलो क्या हो यू यार, न्यूज देख रहे हो? लॉकडाउन बढ़ा दिया हुआ है। अरे वो पुलिसिया बाहर गश्त लगा रही है। हाँ वो कोविड वाला चैप्टर चल रहा है, वही बच्चन का पढ़ा रहे हैं। अच्छा चलो फिर बाद मुलाकात होते हैं भाई। चलो ठीक है, मुलाकात होते हैं। हाँ ठीक ठीक भाई। ये होगा भैया आप सब लोगों का। सब कुछ ठीक चलने की शुरुआत हुई ही थी कि ऊपर वाले ने जीवन में एक और समस्या खड़ी कर दी। इस समस्या केवल मेरी नहीं थी, दुनिया के हर गरीब अमीर की समस्या थी, कोरोना वायरस। ये वक्त था जब हम सब अपने अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन देश का भविष्य तो आज भी बच्चे ही थे, उन्हें तो किसी तरह पढ़ाना ही था। टेक्नोलॉजी तो कोरोना से पहले भी थी, लेकिन तब बच्चों को पढ़ाने में इतना मशरूफ थे कि कभी टेक्नोलॉजी पर ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन अब यही टेक्नोलॉजी से हम बच्चों तक पढ़ाई का मटेरियल पहुंचाएंगे। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन यानी कंकाल के बारे में। ये दो तरीके का होता है, आंतरिक और बाह्य। देखिए शरीर में जो आपके कंकाल होते हैं वो कितने होते हैं, हम आपको ये भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और इसके नाम हम आपको इस तरीके से गिना देंगे जैसे आपको अपना नाम याद है। आप मुर्दा हैं तो भी समझ जाएंगे और जिंदा हैं तो कोई बात नहीं। बोन, बोन हार्ड क्यों होता है? हार्ड इसमें पाया जाता है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चा लोग उनको आवाज नहीं आ रही है, फिर क्या करना था? कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था तो निकल पड़ा था
ट्रक क्लीनर बनकर कोरोना काल में ही पटना की तरफ अपने किराए के कमरे का सामान उठाकर वापस गांव लाने को। फिर गांव से ही शुरू कर दिए थे बच्चों को एक नए ढंग से पढ़ाना। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र। देखिए, कोई सिस्टम जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना? पढ़ लीजिएगा बच्चों। काहे की शिक्षा तुम्हारे लिए और इस देश के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उदहाड़ा है। कल एक लड़कियां का फोन आया हमारे पास, वो कहने लगी एक लड़का हमको मैसेज करके परेशान कर रहा है। बेटा, हम सबको बताए दे रहे हैं कि जो लड़की एक चक्कर में पड़ेगा वो पुलिस वाले डंडे से बहुत पिटेगा। हमारी बात याद रखिएगा कि मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है और जो इसको प्यार समझे वो गधा है। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन यानी कंकाल के बारे में। ये दो तरीके का होता है, आंतरिक और बाह्य। स्केलेटन शरीर में कितने तरीके का होते हैं इसकी हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही आपके शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं उसके नाम हम आपको इस तरीके से गिना देंगे जैसे आपको अपना नाम याद है। आप मुर्दा हैं तो भी समझ जाएंगे और जिंदा हैं तो कोई बात नहीं। बस सर, तभी से ही बच्चा लोग खान सर को जानने लगा। वाह सर, खान सर आपके जीवन की यात्रा काफी रोचक रही है। बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और आप में हिम्मत लाजवाब है सर। आपने कभी हार नहीं मानी, शायद इसी का परिणाम है कि आज आप हम लोग के बीच में हैं, हम सब आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। खान सर, एक छोटा सा सवाल रह गया था। एक बच्चा राहुल जिसके बारे में मैंने सुना था, वो भैंस बेचकर आपके पास पढ़ने आया था, क्या उसके बारे में कुछ बताएं? अरे सर, उसके कंधे पर दूधी स्टार लग गया। अरे बहुत बधाई सर। राहुल आपको भी बहुत बधाई अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं हम लोगों को। खान सर, एक तो लाइनें लिखी हैं आपके लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको। अरे सर जी, जरूर जरूर। मैंने कोशिश की है, टूटी फूटी लाइनें हैं सर, और माफी चाहूंगा अगर कुछ सही ना हो पाए तो। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले भी, दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले भी फीकी पड़ जाती है अपने खान सर के आगे। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले भी फीकी पड़ जाती है अपने खान सर के आगे, जब खान सर बच्चों को तपाकर, कठिन परिश्रम कराकर हिंदुस्तान को ही बना देते हैं हीरे की खान अपने खान सर। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। खान सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज हमारे ऑफिस से आप, स्टूडियो से आप हमारे बच्चों को कोई संदेश देकर जाइए। बच्चा लोगों के लिए हम एक शायरी कहना चाहेंगे जो हम अक्सर कहा करते हैं अपनी क्लास में, कि बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से भी। जी जी जी। हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। जी जी। बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। जी। और एक लाइन, आखिरी लाइन जो हमने बच्चों से कहना चाहेंगे, कि ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजड़े से बाहर निकल कर देख, खुद के बनाए पिंजड़े से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, थैंक यू सर। 3, 2, 1 एक्शन। बबुआ, अपन काम पूरी मेहनत से करे चाहिए, बाकी ऊपर वाला अच्छा करबे करी। जय जनते वह कहावत सुनबे करे हो, जहाँ पद आज आपसे ज्यादा सामान है हमारे पास, आप छीन ले लो। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन यानी कंकाल के बारे में। दो तरीके का होता है, एक आंतरिक एक बाह्य। देखिए, शरीर में जो शरीर में कंकाल की पूरी कोचिंग हमारी, बेंच हमारी, बच्चे हमारे, सारी फैसिलिटी हमने आपको प्रोवाइड की। बच्चे बोले बच्चे, अरे बच्चे आप ही के, हम नहीं ले जाएंगे।